जैसा भी है मजेदार है. ओल्ड शिमला में पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग टू लिव दैट ओल्ड लाइफ. एग्जैक्टली. तो चलो सही है, अब आगे चलते हैं, मार्केट दिखाते हैं. वुड मार्केट जो है, जो हमें पता लगा कि यहाँ पे वुड मार्केट है सारी आगे, ठीक है. थोड़ा यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं अभी, ये लगता है एक स्कूल की छुट्टी भी हुई है. ऊपर कोई स्कूल है यहाँ पे लोकल शिमला का, सो लेट्स सी. अभी थोड़ा आगे बढ़ के फिर मैं दिखाता हूँ आपको. क्या लेना चाह रहे हैं? टॉय लेगा बस? कुछ नहीं, मैं सब देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं. क्या कह रहे हैं? मेरे मतलब का आज कुछ मिल नहीं रहा है. नीचे भी मार्केट है पूरी. चलो पहले नीचे चलते हैं. चल नीचे चलते हैं, बट आई थिंक नीचे ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ एंड लग रहा है नीचे तक. उसको देख, ओ भाई वो देखो, वो देखो गेम देखो जरा इनकी भाई की. सरकता हुआ सरकता हुआ जा रहा है. तो भाई लोग मजा तो आ ही रहा होगा. ये देखो हमारे भाई साहब शॉपिंग करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, बट मिल नहीं रहा था ये सामान. पैसा मेरे बहुत है, कुछ मिल नहीं रहा है. पैसा बहुत है तुझे. चलो कोई नहीं, नियत है चीज नहीं है. हाँ इस बार किस्मती से नियत है पर चीज नहीं मिल रही. और मनी माइंडेड पीपल और क्या. एक बार जब मैं सोच के आऊँ कि भाई अच्छे से एंजॉय करूँगा, खुला खर्चा करूँगा, तो कुछ मिल नहीं रहा. मिल नहीं रहा. चल यहाँ से आगे कुछ नहीं है वापस. हाँ, अबाउट टर्न मिल. अब तो फिर 100 किलोमीटर चढ़ाई करवाएगा. ओह ये फिर चढ़ाई. चल कोई नहीं यार, आ जा अपने लिए. नहीं अपने सिम्बा और मीशा के लिए कुछ ले जा. क्या वो तो चीर फाड़ कर देंगे सब चीज़ों का. कुछ भी लेके जाऊंगा तो चीर फाड़ कर देंगे. चलो यार भाई लोग फॉर अ चांस ही है ना जली मिली है, जो मैं बचपन में बहुत खाया करता था. मेरे मम्मी पापा इतनी लेके दिया करते थे मुझे. और दिल्ली में तो आजकल ये सब चीज़ें मिलनी बंद हो चुकी हैं, ठीक है. ये बेचारा रो रहा था, तू कर क्या रहा है, क्यों खा रहा है. अगर मैं तो यही खाऊंगा. पागल भाई मज़ेदार है देख. अरे बहुत टेस्टी है. ओ बस पता नहीं क्या कर रहे, देखो ना. चलो हम लोग जल्दी एंजॉय करते हैं, आप लोग रोड एंजॉय करो, मार्केट देखो. अरे यार शिमला की शॉपिंग तो खत्म. थोड़ा सामान लिया है वहाँ की, हमने स्पेशल चॉकलेट्स लिए हैं. और मैंने होम मेड हैंडमेड चॉकलेट्स एक्चुअली बहुत अमेजिंग है. 5 अलग अलग फ्लेवर्स हैं उसमें, और मैं ब्लॉग में दिखा दूंगा अगर दिखा पाऊंगा तो. बाकी एक चीज़ और है, मैंने वैसे अपने लिए कुछ खाने के लिए भी भूख लेनी स्टार्ट हो गई थी, वहाँ रुकना नहीं चाहता था. अब हम लोग कसौली निकल रहे हैं और उसके लिए टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है. तो वो टाइम ना लगे बचाने के लिए हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो इसलिए पैक करा के लेके जा रहे हैं. यहाँ की एक स्पेशल आइटम है कुरकुरे करके कुछ, दैट इज़ अ फ्राइड आइटम एंड आई थिंक स्पेशली इट आउट इन विद मेयो एंड चिली सॉस. सो वील जस्ट हैव अ बाइट ऑफ इट एंड शो यू इन केस वी कैन, ठीक है. तो भाई अगर बची तो. हाँ तो अब गाड़ी तक जा रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं, जाके थोड़ा आराम करें, बैठे फिर निकलते हैं. तो भाई ये देख लो यार, ये है यहाँ की लोकल डिश हिमाचल की, क्या बोलते हैं इसे, कुरकेज. हाँ कुरकेज, KURKEJ. तो ये मेरे ख्याल खाई जाती है
लाल चटनी के साथ, जो जैसे आपके मोमोज वाली चटनी होती है ना वैसी कुछ। अब इन्होंने डाल के तो दी है, पर वो ये कि यार मेरे को ना मिर्ची ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो ऐसे ही खाऊंगा अभी से। ठीक है, अपन देखते हैं कैसा है ये, खा के देखते हैं। मतलब जो सेम हम मंचूरियन बॉल्स खाते हैं ना, उस टाइप में कुछ फ्लेवर है, बट अलग ही कोई इनकी अपनी लोकल वेजिटेबल डली हुई लग रही है इसमें। सुपर अमेजिंग यार, विद दिस इज विद पालक आई थिंक, बीटरूट भी जला हुआ है। आई थिंक बीटरूट भी है इसमें, रेगुलर तभी आया ना, आई थिंक बीटरूट भी जला हुआ है। बीटरूट भी लग रहा है मुझे, बट जो भी है मस्त है यार। लेकिन यहाँ पर ना बीटरूट को कुछ और कहते होंगे, यहाँ पर बीटरूट को बीटरूट नहीं कहते होंगे। गार्लिक है इसमें, अनियन है और धनिया तो है ही है। चलो जो भी है मैं तो खा रहा हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई साहब एक और चीज हमने ली थी, ये है हमारे फ्राइड राइस, और जो वो कुरकुरे से थे वो तो भैया सुपर ऑसम। मतलब ये लगा लो दो मिनट भी नहीं लगे उसको खत्म करने में, और इसमें भी उसने डाले हुए हैं, जिससे हमने ये चाइनीज फूड लिया है उसने इसके अंदर भी वो कुरकुरे डाले हैं। यार मेरे को तो बहुत सही लग रहे हैं, ये खा के देखता हूँ ये कैसा, इसको भी बताऊंगा। फ्रेग्रेंस तो बहुत बढ़िया आ रही है। मैं तो भाई चावल खाते नहीं, लेकिन भाई कसम से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फ्रेग्रेंस तो भैया सुपर ऑसम आ रही है इसकी, मजेदार। खा के देखता हूँ कैसा लगता है। पहले पेट पूजा फिर काम दीजा।